भारत बंद के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पहुंचे विधायक रामकुमार कश्यप का किसानों ने घेराव कर दिया, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया है। विधायक जाने लगे तो किसानों ने गेट बंद कर दिया और सुरक्षा कर्मियों ने गेट को खोला। इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में पहुंचे तो किसानों ने उनका घेराव कर दिया। काफी देर तक चली गहमा गहमाई के बाद विधायक अपनी गाड़ी की ओर बढ़े तो किसानों ने गेट बंद कर दिया। इस पर विधायक दूसरी प्राइवेट गाड़ी में बैठकर आए। दरअसल कस्बे के गांव भातसो में ग्राम पंचायत द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने शिरकत की। तभी कई दर्जन किसान सचिवालय आ गए और 3 कृषि अध्यादेशों को लेकर विधायक से बातचीत करने लगे। कुछ ही देर हुई बातचीत गहमा गहमाई में बदल गई। जैसे ही विधायक अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे तो किसानों ने नारेबाजी करते हुए सचिवालय का गेट बंद कर दिया। इसके बाद विधायक किसी दूसरी प्राइवेट गाड़ी में बैठकर गए। विधायक रामकुमार कश्यप जैसे ही सचिवालय से जाने लगे तो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े तो किसानों ने गेट बंद कर दिया और नारेबाजी करने लगे। विधायक के सुरक्षाकर्मी ने अंदर से गेट खोला तो किसान गेट पर बैठ गए। इसके बाद विधायक सचिवालय से पैदल ही चल पड़े और दूसरी प्राइवेट गाड़ी में बैठकर वापस गए। इस दौरान विधायक की गाड़ी सचिवालय में ही खड़ी रही। इंद्री से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। इसमें अध्यादेश में कहीं कुछ बात कही गई है कि किसान जो अपना उत्पादन है कहीं मंडी के अलावा कहीं बेच सकता, बाहर बेच सकते हैं। बाकी साथ साथ में इससे कोई एफिडेविट तो नहीं दिया गया किसानों से कि आपने हर हालत में बाहर अनाज बेचना है, ऐसा एफिडेविट तो नहीं दिया गया। अच्छा, जहां तक रही दो बात तक आपको डाउट है, कहीं मंडी खत्म ना हो जाए, एमएसपी खत्म ना हो जाए। अब देखिएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, अभी 4-5 दिन पहले अभी केंद्र सरकार ने घोषणा करी है 50 में बढ़ाने काम किया, जैसे हर साल किया जाता है। बहुत बड़ा ऐसा है, मैं मानता हूँ चलो ये कम है। मेरी बात तो सुन रही है, मेरे पास मेरी बात तो सुन रही है, आपकी बात सुन ली, मेरी बात भी सुन लो आप, फिर आप कह दीजिए जो कहना होगा। मैं भी किसान हूँ, आपका भाई हूँ, कोई मैं बाहर से नहीं आया। हम तो भैया है, किसान तो क्यों नहीं है, किसान है जितना ऐसा है। फिर उसमें बात कहते हैं कि मंडी खत्म हो जाएगी, मिनिमम सपोर्ट, ये दोनों बातें का मैं आपको अपनी तरफ से सरकार की तरफ से विश्वास रखता हूँ। ना तो मंडी आपने इतना बड़ा कानून लिख दिया और वो पास कर दिया। सबसे पहले आप राज्यसभा के मेंबर रहे, राज्यसभा में एक कानून है, अगर एक भी मेरे पास सुनिए, अगर एक भी सदस्य ये मांग करता है कि वोटिंग होनी चाहिए, वोटिंग होती है, लेकिन क्यों नहीं हुई वोटिंग, देखिए सुनिए ना, मेरी बात समझ लीजिए। आपने इतना बड़ा कानून बना दिया, आप उसमें एक लाइन क्यों नहीं लिखते कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म नहीं होगा और उससे कम अगर कोई खरीदता है तो उसको 10 साल की 5 साल की सजा होनी चाहिए और उसके जो खरीदता है उसकी पेमेंट की भुगतान की गारंटी सरकार ले, उसका रजिस्ट्रेशन कर। ये एक लाइन लिख दो, उसमें आपने इतना बड़ा लिख दिया। ऐसा है, अगर आपको लगता है विश्वास, मेरी बात सुनो, हाँ सुनाओ, लेकिन जब कानून बनता है उसमें तो कभी पेमेंट नहीं कर सकता। अच्छा, मैं एक और बताऊंगा, किसान वर्ग कितना बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा बैंक, वोट बैंक है, या बीजेपी पार्टी इतनी श्रेणी भी है, इतना उसमें ध्यान दिया है, आपके वोट बैंक को खराब कर देगी आप ये बिल लाके। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.